नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे सहजन की। दोस्तों, आप लोग कभी सहजन का पत्ता का सब्जी बनाकर खाया? हमारा दादी आँखों में कम देखा करता था। हमारा दादी हफ्ता में 4-5 दिन सहजन का पत्ता के सब्जी बनाकर खाया करता था। तो धीरे धीरे आँखों का रोशनी जो कम देखा करता था वो ठीक होने लगा। तो सहजन का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है, बहुत बीमार सड़ा देता था। तो हमारा दादी जब भी सहजन का पत्ता का सब्जी बनाता था, तब हमने दादी का हाथों का सहजन का पत्ता की सब्जी खाया करता था। बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था हमारा दादी। तो हमने दादी के तरह दादी जब बनाता था, हमने बैठे 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 देखा करता था, उसी तरह हमने आज दादी के तरह बनाकर खाएंगे। देखता हूँ कैसा लगता है। तो आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर रही हूँ। हमने पहले सहजन के पत्ता को पेड़ से तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हमने सहजन के पत्ता को डंडल से छुरा कर ले लेता हूँ। जितना हो सके उतना हमने डंडल से छुरा छुरा कर पत्ता को ले लेंगे। इसी तरह सारे पत्ता को हमने छुरा के ले लेंगे। डंडल हमने फेंक देंगे। इसी तरह हमने सारा सहजन की पत्ता को छुरा कर ले लेता हूँ डंडल से। हमने सारा पत्ता को डंडल से चुरा कर ले लिया। अब हम पत्ता को अच्छे से पानी से धो लेंगे। 3-4 बार पानी बदल बदल के हमने पत्ता को धो लेंगे। अब हम चलती हूँ धोने के लिए। एक कटोरा चना का दाल लिया और एक कटोरा मसूर का दाल लिया। अब हम दोनों दाल को अच्छे से पानी से धो लेंगे। हम अच्छे से पानी से दाल को वॉश कर लेता हूँ। हमारा दाल वॉश करना हो गया। हमने पहले से गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाकर पानी डाल दिया। उसके बाद हमने जो दाल वॉश कर लिया उस दाल को डाल दिया। दाल डालने के बाद हमने नमक डाल दिया। स्वादिष्ट अनुसार हमने नमक डाल दिया। तो इधर साग भी हमने धोकर बारीक काट के रखा। दाल अच्छे से उबलना हो गया। हमने दाल को अच्छे से उबल लिया। जब दाल अच्छे से पक चुकी है, दाल जब पक गया, तब हम साग को अब डाल देता हूँ। तो साग को डालने के बाद हमने 5 मिनट तक हमने पकाएंगे। तो साग ज़्यादा देर नहीं लगता पकने में, जल्दी ही पक जाता है। तो हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। हल्दी पाउडर डालने के बाद हमने साग के साथ दाल के साथ साग को अच्छे से मिला लेता हूँ। तो हमारा दाल और साग बन के रेडी हो चुकी। हमने नमा लिया। नमा कर हमने कढ़ाई को गर्म करके सरसों का तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद हमने फोरन के लिए 3-4 सूखी मिर्ची डाल दिया। सूखी मिर्ची को थोड़ा सा चटकने दिया। चटकने के बाद हमने लहसुन कुटा हुआ लहसुन डाल दिया। लहसुन डालने के बाद हमने बारीक काटा हुआ प्याज डाल दिया। डालने के बाद हमने आटे से भून लेंगे। तो भूनने के बाद हमने थोड़ा सा शक्कर डाल दिया। डालने के बाद हमने 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। डालने के बाद अच्छे से
मिला लिया। मिलाने के बाद हमने दो टमाटो बारीक काट के रखा और टमाटो भी हमने कढ़ाई पर डाल दिया। तो अच्छे से सारा मसाला को हमने भून लेंगे। भूनने के बाद हमने जो दाल बॉयल करके रखा उसे हमने डाल देंगे। तो हमारा जो सहजन का पत्ता का सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। ऐसे सहजन का पत्ता का सब्जी बनाकर खाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप चावल, रोटी, सी पराठा सब के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो हमने तो ये पहली बार बनाया, बहुत बार खा चुकी है लेकिन हमने बनाकर ये पहली बार खाएंगे। तो इसी तरह हमारा दादी सहजन का पत्ता का सब्जी बना करता था। तो हमने सहजन का पत्ता का सब्जी नमा लिया। देखने में बहुत अच्छा ना, खाने में उतना ही अच्छा लगेगा।